दोस्तों, आज की भागदौड़ जिंदगी में हमें कुछ होश नहीं रहता है, क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं कि हमारी ना सेहत पे ध्यान दे पाते हैं, ना हम कोई चीज खरीदते हैं ना उस पे ध्यान दे पाते हैं। इसी तरीके से ये कुछ चीजें हमारे सामने आई है। कानपुर से मैं एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जैसे कि एक दूध वाला, देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से दूध के अंदर जो है केमिकल डाल के जो है ये मिलावट कर रहा है खड़े रहकर, और कोई व्यक्ति अगर वहां आ जाता तो वहां से वो हट जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। गुजरात के अंदर ये देखिए, एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ कि गुजरात के अंदर जो है एक केमिकल डाल के देखिए किस तरीके से दूध को जो है बनाया जा रहा है, और ये नकली दूध जो है ये हमारी सेहत के लिए या हमारी तंदुरुस्ती के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो आपको पता है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी खुलासा यह है कि रबर का दूध आपने कभी नहीं सुना होगा। रबर जो आप सही सुन रहे हो, रबर जो होता है, एक रबर का दूध आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिए कि किस तरीके से इसमें मलाई जमती है, और उस मलाई को आप लकड़ी के अंदर आप लपेटिए तो पूरा वो दूध जो है लपेटते जाता है, और उसको हाथ से मसलिए तो रबर बन जाता है पूरा। कितना एक जो है हानिकारक है हमारी सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए। जैसे कि आप जानते हो कि डॉक्टर जो है कभी भी एक सलाह देता है कि आप अंडा खाइए या दूध खाइए, दूध पीजिए, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसी चीजों के साथ जब खिलवाड़ किया जाता है हमारी भागदौड़ जिंदगी में, तो सोचिए कि हमारी सेहत का क्या होगा। तो इसके न्यूज के जरिए से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी चीज अगर आप लें, खरीदें खाने के लिए या पीने के लिए, तो उसे बहुत सावधानी होगी, क्योंकि आज तुम्हारे बगल में ही कौन भेड़िया तुम्हारी सेहत के साथ खेलने के लिए बैठा है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपकी जिंदगी के साथ कैसा खेला जाता है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।